कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हमीरपुर जिला में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त दीपश्वेता बनिक ने कोविड-19 की दूसरी वेब से बचाव के लिए सतर्क होकर रहने की अपील की है। उपायुक्त दीपश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि समय पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ऐसे लोगों का पता लग सके। साथ ही पंचायती राज विभाग के तहत आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और पुलिस विभाग को भी निर्देश जारी किए हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए तेजी लाए, ताकि बढ़ते कोविड-19 के खतरे से बचाव हो सके। उपायुक्त हमीरपुर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की झिझक या कोविड से संबंधित जानकारी को छिपाए ना और प्रशासन से जानकारी को साझा करें, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम सही ढंग से पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लोगों का सहयोग अमूल्य है, इसलिए लोगों को भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिला में कोविड-19 संक्रमित मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर अधिक ध्यान देते हुए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करें और निगरानी तंत्र को भी सुदृढ़ करें। उन्होंने सैंपलिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विशेष तौर पर बाहरी राज्यों से समूह के तौर पर तीर्थ यात्रा या अन्य कारणों से गए लोगों के वापस लौटने पर उनकी तुरंत सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। हमीरपुर में जैसा हम सबको पता है कि पिछले कई हफ्तों से जो है केसेस, जो सेकेंड वेव के केसेस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे ज़िले में आ रहे हैं, और इसके चलते हम सभी को बहुत ज़्यादा और जागरूक और सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार जो है विभिन्न विभागों से और हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज, पुलिस, बाकी सभी विभागों के साथ संपर्क में हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है कोविड को टैकल करने की, वो बिल्कुल तत्परता से जो है वो चलती रहे। और इसी के चलते सबसे ज़रूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि कोई भी अगर पॉजिटिव व्यक्ति का नॉलेज हमें आता है, उसी के साथ साथ वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर किन लोगों के साथ जो है उन्होंने खाना खाया है, रहे हैं, मिले हैं, इसकी जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उन सभी लोगों को ट्रेस किया जाए और उनको आइसोलेट करके उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि ये जो है इसका चेन जो कोविड का है वो ब्रेक हो सके। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, इट इज़ द बुलवर्क ऑफ एनी प्रॉपर कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो है पंचायती राज विभाग, जो हमारे विलेज लेवल की आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीम है, और साथ साथ में पुलिस विभाग को भी इसमें साथ में सामंजस्य से काम करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं, और वो इस बारे में जो है काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्राइमरीली जो खुद पॉजिटिव आता है उसकी सेल्फ रिपोर्टिंग के आधार पे ही निर्भर करता है। तो हम कई बार जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कई बार खुद जो खुद पॉजिटिव आए होते हैं वो सही से सूचना नहीं दे पाते, ये याद नहीं कर पाते या डरते हैं, इसीलिए सही से नाम नहीं बताते उन लोगों का जिनके संपर्क में वो आए हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस प्रक्रिया में बिल्कुल झिझक या डर जो है उसको ना रखें। ये आपके और आपके साथी, आपके परिवार और आपके दोस्त जिनसे आप मिलते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उन सभी के भलाई में है कि यदि आपके या उन किसी और के माध्यम से वो संक्रमित हों तो उनकी जाँच जो है समय पे हो जाए, ताकि और ये ना बढ़ पाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल ना घबराते हुए, इन्फॉर्मेशन को ना छुपाते हुए, जैसे ही पूछा जाए तो सही सही ध्यान रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमारी टीम्स की भरपूर मदद करें, और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अगर हम अच्छे से इस कार्य को करेंगे तो हम जरूर जो है कोविड के इस चेन को ब्रेक करने में काफी हद तक जो है सक्सेस हासिल कर पाएंगे।